रतलाम जिले के सैलाना थाना अंतर्गत ग्राम देवरूड़ा में तिहरे हत्याकांड का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आरोपियों ने पिता समेत तो दो नाबालिग बच्चों को बांधकर कुएं में फेंक दिया, जिससे तीनों की मौत हो गई। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और तीनों शवों को बाहर निकाला और तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने आरोपियों को राउंड अप कर लिया। बता दें कि जमीनी विवाद के चलते हत्या को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। कल रात लगभग 11 बजे थाना सैलाना पर देवरुंडा गांव के ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि उनके गांव का लक्ष्मण और उसके दो बेटे शाम से ही मिसिंग हैं। और जब ग्रामीणों ने उनकी तलाश की तो गांव के कुएं में उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पर उनकी डेड बॉडी है। जब उन्होंने टॉर्च जलाकर देखा तो उन्हें कुछ संदिग्ध चीज़ें कुएं के अंदर दिखी हैं। इस सूचना पर पुलिस थाना प्रभारी और फॉरेंसिक टीमें आदि मौके पर पहुंची। वहां पर उन्होंने कुएं से तीन लोगों की डेड बॉडी निकाली है, जिसमें लक्ष्मण भाभर 35 वर्ष के हैं, देवरुंडा के रहने वाले हैं, और उनके साथ में उनका बेटा विशाल जो कि 13 वर्ष का है और पुष्कर जो 8 वर्ष का है। इन तीनों की बॉडी रस्से से बंधी हुई है।